गाइस, हाउ आर यू ऑल? दिस इज योर होस्ट इंजीनियर अभिषेक सिंह एंड यू आर वाचिंग माय मैकेनिकल सपोर्ट। गाइस, अगर हम अपने बाइक के की को इस तरह से टर्न करते हैं तो हमारा जो बाइक है वो ऑन होना चाहिए, लेकिन ये ऑन तो होती है दोस्तों, लेकिन जैसे ही मैं इस हैंडल को लेफ्ट या राइट की तरफ टर्न कर तो गाइज हमारे बाइक में दिक्कत ये आ रही है कि जैसे ही मैं की को ऑन करता हूँ दोस्तों, आप देखेंगे अभी तो जो है वो यहाँ पे ये ऑन हो गया है। जैसे ही मैं हैंडल को टर्न करता हूँ दोस्तों, आप देखेंगे यहाँ से, आप देख सकते हैं यहाँ से दोस्तों कनेक्शन जो है वो कट जा रहा है। आप देख सकते हैं कनेक्शन कट जा रहा, फिर आता है, फिर दोस्तों टर्न करता हूँ कट जाता है। तो इसका दिक्कत कहाँ से हो सकता है, चलिए मैं आपको दोस्तों इसको ठीक करके बताता हूँ। सो गाइज, सबसे पहले की स्लॉट में डालेंगे की, टर्न करेंगे दाहिने साइड, पीछे साइड एक पुश वाला बटन रहता है उसको पुल करेंगे दोस्तों। इस तरह से हमारी जो सीट है उसको इस तरह से हम हटा लेंगे, तो हमारी सीट देख सकते हैं बाइक से निकल चुकी है। दूसरा स्टेप क्या करना है दोस्तों, हमें इस टैंक को हटाना है। टैंक को हटाने के लिए दोस्तों आप 12 नंबर के सॉकेट का इस्तेमाल करेंगे। कुछ इस तरीके से दोस्तों हम जो है वो इसको लूज कर लेंगे। लूज करने के बाद दोस्तों ये वाला जो बोल्ट है इसको हम पूरी तरीके से हटा लेंगे। इसको हटाने के बाद दोस्तों आपको काम क्या करना है कि ये वाला जो साइड पैनल है इसको थोड़ा सा इसको लूज करना है, क्योंकि हमें टैंक को हटाना है और जो पुश लॉक होता है दोस्तों टैंक में ही रहता है। तो इसलिए दोस्तों यहां वाला स्क्रू हटाने के बाद में आपको एक नीचे में यहां पे स्क्रू मिल जाएगी, इसको कुछ इस तरीके से दोस्तों हम पहले खोल लेंगे। ये हो गया दोस्तों, तो इसको जो है वो बाहर की तरफ खींचते हुए इसको जो है वो पूरी तरीके से हम इस तरह से निकाल लेंगे। दोस्तों लेफ्ट साइड वाला तो पूरा हमने निकाला था, लेकिन राइट साइड वाला दोस्तों पूरा का पूरा पैनल आपको निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इधर से कोई भी कनेक्शन हमें नहीं हटाना है, बस जो टैंक में लगा हुआ पुश लॉक होता है उससे हमें काम लेना है। तो ये नीचे वाला भी दोस्तों एक यहाँ पे एक स्क्रू होता है, इसको भी हम दोस्तों खोल लेंगे। आप देख सकते हैं ये कहाँ पे होता है। तो दोस्तों ये दोनों स्क्रू निकालने के बाद में क्या करेंगे कि यहाँ पे जो पुश लॉक होते हैं दोस्तों इसको हम इस तरह से खींचेंगे, और इस तरह से खींचने के साथ ही दोस्तों आप देखेंगे ये नीचे हो गया, ये टंकी से इसका जो संपर्क था वो टूट गया दोस्तों। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस टैंक को कुछ इस तरीके से दोस्तों बहुत ही आसानी के साथ में पीछे की तरफ खींचते हुए निकालेंगे। पीछे की तरफ खींचते हुए निकालेंगे इसलिए दोस्तों क्योंकि यहाँ पे ये जो लॉक है ये यहाँ पे इस वाले पार्ट में दोस्तों फिट होती है, ठीक है। दोनों साइड ये होता है और ये लॉक भी दोनों साइड होते हैं, इस चीज को ध्यान देंगे। अब दोस्तों यहां से हमें इस कनेक्शन को निकालने हैं, तो उसके लिए आपको करना क्या है दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूं कि आपका जो भी ऑफ पोजीशन है दोस्तों इसको पहले ऑफ कर लें। यहां से हमने जो है वो इस तरह से ऑफ कर लिया, इसको ऑन रहेगा तो जैसे ही पाइप खोलेंगे दोस्तों हमारा जो पेट्रोल है वो गिरना स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए नॉब को पहले ऑफ कर लेंगे। ऑफ करने के बाद में दोस्तों आपको जो है वो कुछ इस तरीके से ये जो पेट्रोल वाला पाइप है इसको यहां से लॉक रहता है, इसके हटाने के बाद में इस तरह से दोस्तों इसको अलग कर सकते हैं। तो ये हमने अलग कर लिया, पेट्रोल ऑफ था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइज आप जिस तरह से देख पा रहे हो मैंने जो है वो बाइक की टैंक हटा दी है, साथ ही साथ दोस्तों साइड पैनल भी हमने खोल दिया है ताकि काम करने में आसानी हो। अब ये जो वायरिंग जा रही है दोस्तों, ये जो मेन वायरिंग है इसको हमें देखना है, और उसके लिए दोस्तों आपको की को ऑन रखना है। ये हमने कर दिया है की को ऑन, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे लाइट जो है वो आ रही है। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपकी पूरी की पूरी वायरिंग है दोस्तों। एक बार पहले भी एक वायर ख़राब हुआ था, हमने खोल रखा था और टेप वगैरह लगाया था, और फिर से हम इसे खोलेंगे दोस्तों। और अगर आपका पहली बार खुल रहा है दोस्तों तो इसको ब्लेड की मदद से इस तरह से काट लेंगे इस वाले कवर को। और जो भी वायर है, देखिए ये वायर हमारा जो है वो ख़राब हो चुका है, दो बार ख़राब हुआ था, हमने जो है नया वायर इसमें लगाया है। तो दोस्तों ये वाला वायर पहले से ही ख़राब था, हमने जो है वो नया वायर लगाया है। तो इसको चेक करने का यही तरीका है दोस्तों कि इसको बाहर की तरफ खींचेंगे और आपको मीटर पे देखना है कि आपकी पावर कट हो रही है कि नहीं। चलिए मैं आपको दोनों चीज़ एक साथ दिखाता हूँ। कई बार इसे सभी वायर को जो है वो खींचना है, बाहर की तरफ खींचेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आपको बारी बारी से जो वायर है उनको खींचना है, और यहाँ पर ध्यान देना है कि पावर कट हो रही है कि नहीं। इसको खींचे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है दोस्तों, दूसरे वाले को खींचे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब दोस्तों हम बारी बारी से खींचेंगे, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ज़्यादातर दिक्कत होती है रेड वायर पर, रेड वायर को हम टारगेट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं हो रही है दोस्तों। आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा जो फॉल्ट है वो मिल चुका है। आप देख सकते हैं जो वायर है इसको दोस्तों देख सकते हैं कि हिलाने से हमारा जो है वो पावर ऑन ऑफ हो रहा है। देख सकते हैं ऑन हो गया, ऑफ हो गया। तो जाहिर सी बात है हमारी ये जो रेड वायर है
इसी में दोस्तों कहीं पे फॉल्ट आई है और दिक्कत ये होता है दोस्तों कि हैंडल के मुड़ने से ये वायर जो है वो कटने लगते हैं, ये वायर जो है वो कटने लगते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको रिपेयर, हाँ देख सकते हैं कि यहाँ से बिल्कुल ये कमज़ोर हो चुका था और यही कारण था कि हमारा जो बाइक है वो कंटिन्यूस पावर नहीं ले पा रहा था। दोस्तों हमारे पास लिमिटेड वायर है तो ये बर्बाद ना हो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं दोस्तों कि माचिस का सहारा ले सकते हैं हमें जो है वो वायर कवर को छीलने के लिए, कुछ इस तरीके से इसको नरम करने के बाद में हाथ से खींच देंगे और दूसरे तरफ भी दोस्तों सेम ही काम आपको करने हैं। तो कुछ देख रहे हैं दोस्तों हमारा जो वायर है वो छिल चुका है दोनों ही साइड से। अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों कि ये वायर बार बार कट रही है, जाहिर सी बात है ये वायर जो है वो खींच रही है, इसलिए हम इसमें एक्स्ट्रा वायर ऐड करेंगे ताकि आगे से हमारे बाइक में ये प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से कोशिश करें कि सेम कलर का ही वायर दोस्तों इसमें ज्वाइन किया जाए, और अगर आपके पास नहीं है तो आप टेम्पररी में जो है वो दूसरे कलर को भी लगा सकते हैं, कलर से कोई मतलब नहीं है, कलर बस मैकेनिक को इंडिकेशन के लिए रहता है कि ये सेम कलर की वायर जो जैसे ही हम टच कर रहे हैं दोस्तों आप देख सकते हैं, एक बार मैं चेक करवा दे रहा हूं दोस्तों कि प्रॉब्लम यहीं थी, आप देख सकते हैं यहां से पावर कट हो चुका है, जैसे ही ये टच हो रही है दोस्तों पावर फिर से आ जा रही है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि प्रॉब्लम यहीं थी। चलिए इसको जो है वो अब फिट कर देते हैं। जैसे ही हमने फिट किया दोस्तों आप देख सकते हैं पावर बिल्कुल आ चुकी है, तो ये बहुत ही सही काम है। और एक चीज़ का मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब कनेक्शन करें दोस्तों तो इसको जो है वो ऑफ कर ले, इसको ऑफ कर ले और उस समय में दोस्तों यहाँ पे कनेक्शन कर ले और टेप लगाने के बाद ही दोस्तों इसको ऑन करेंगे। क्योंकि अगर दोनों वायर, अगर मान लीजिए यहाँ पे एक कटिंग है, एक यहाँ पे कटिंग है, टेप यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, दोनों वायर सटेगा दोस्तों तो आपका जो दाहिने साइड में फ्यूज रहता है दोस्तों वो उड़ सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान दें। और अगर आपका जो है वो कटिंग के बाद फ्यूज उड़ जाए तो आपको दोस्तों दाहिने साइड ये वाली जो बॉक्स होती है, ये फ्यूज बॉक्स है दोस्तों, इसको एक बार चेक कर लेना है दोस्तों कि फ्यूज वगैरह तो सही है ना। और मैं इसमें जो है वो टेप लगाता हूँ और उसके बाद आपको फिटिंग करके और टेस्ट करके दिखाता हूँ कि ये काम आखिर किस तरह से कर रही है। टेप दोस्तों कायदे से तो यहाँ पे ब्लैक टेप लगना चाहिए, लेकिन अभी हमारे पास मौजूद है सिर्फ वाइट टेप ही, ट्रांसपेरेंट वाला, तो इसको लगा लेते हैं, इससे हमारा काम तो चल जाएगा दोस्तों। लेकिन ब्लैक टेप रहने से फायदा ये होता है कि जब भी टेप उखड़ता है दोस्तों तो वो पता चल जाता है, वाइट टेप में ऐसा नहीं होता है, तो इस चीज़ का ध्यान देंगे। मैं टेम्परेरी में वाइट टेप लगा रहा हूँ ट्रांसपेरेंट वाला, अभी इसको ब्लैक में बदलूंगा, तो दोनों चीज़ को दोस्तों अच्छे तरीके से बिल्कुल जो है वो टेप मार ले। तो दोस्तों टेप लगने के बाद में आप जो है वो की को ऑन कर सकते हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल सही से काम कर रहा है और हैंडल घुमाने से जो प्रॉब्लम आ रहा था दोस्तों वो प्रॉब्लम भी आप दोस्तों नहीं आ पा रहा है, ये काफ़ी सही चीज़ है। सबसे पहले आपको बाइक में टैंक फिट करनी है, टंकी फिट करेंगे, और टंकी फिट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि मैं आपको दिखा रहा हूं दोस्तों, नीचे में एक यहां पे फ्यूल गेज सेंसर लगा हुआ होता है जो हमें बताता है कि गाड़ी में कितनी फ्यूल बची हुई है, तो उसका पहले कनेक्शन आपको करना है। तो इसके लिए दोस्तों टैंक को जो है वो गाड़ी पर रख देंगे और जो ये प्लग है दोस्तों जो हमने खोला था ये कुछ इस तरह से दोस्तों हम जो है वो इसमें फिट कर देंगे। इसकी फिटिंग होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो ऑयल वाला कनेक्शन है उसको तो हम बाद में कर लेंगे, पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, देख रहे हैं टैंक फिट करने के लिए यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है दोस्तों इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ कि टंकी में बनाए गए खांचे में दोस्तों आपको पहले इस तरीके से फिट करना है। तो ये जो है जिस तरह से फिट होगा दोस्तों आपकी जो टंकी है वो बिल्कुल सही जगह पर चली जाएगी, और इसके बाद जो 12 नंबर का बोल्ट हमने खोला था उसको दोस्तों यहाँ पे फिट करेंगे, एक 12 नंबर का बोल्ट था उसको भी फिट कर लेंगे और मैं आपको दिखाता हूँ फुल टाइट इसको दोस्तों। अब इसको फाइनल टच दे देंगे इस सॉकेट की मदद से। अब ये हमारा जो फ्यूल का कनेक्शन है उसको कर लेते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे दोस्तों कि ये जो पाइप है, फ्यूल पाइप है, इसको भी हम इस तरह से कनेक्शन कर लेंगे, और कनेक्शन करने के बाद इसको ऑन मोड में रख देंगे दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसके बाद क्या करना है कि साइड पैनल आपको फिट करने हैं, तो साइड पैनल फिट करने के लिए तो हमने बहुत बार बता रखी है दोस्तों, आप एक बार फिर से देख सकते हो, कुछ इस तरीके से हम करते हैं साइड पैनल को फिक्स और इसमें लगे हुए जो स्क्रू है उसको भी लगा देते हैं। दोस्तों बचे हुए समय में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। एक नीचे में भी स्क्रू है दोस्तों, उसको भी लगा लेंगे।
दोस्तों आप अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अगर वो बाइक चलाते हैं, ताकि वो अपना खुद का रिपेयरिंग जो है बाइक का है वो घर पे ही कर पाए। राइट साइड वाला पैनल है उसको भी दोस्तों फिट कर लेंगे। दो पुश लॉक लगाने के बाद दोस्तों नीचे वाला जो स्क्रू है उसको कुछ इस तरह से दोस्तों हम लगाने के बाद में मैं आपको दिखा रहा हूं, जो हमारी सीट है दोस्तों वो अब बच गई है, तो हम सीट को भी फिट कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारी जो सीट है वो लॉक हो चली है। अब चलिए चलते हैं एक छोटे से राइड पे, काफी सही तरीके से काम करे दोस्तों, हैंडल घुमाने पे भी अभी ऑफ नहीं हो रही है। तो फिर मिलता हूँ दोस्तों ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।